हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं हमारी इस वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां आप सीखते हैं कंप्लीट एडवांस एक्सेल एक्सेल 2020 2021 जो लेटेस्ट वर्जन है उसकी एक फॉर्मूला है आपका मैप। हमने इससे पहले जो है आपके साथ डिस्कस किया था लॉजिकल फॉर्मूला की कैटेगरी में आपका मेक एरर फॉर्मूला का। मेक एरर फॉर्मूला के बाद हम बात करेंगे मैप फॉर्मूले के, ये भी लैम्डा फॉर्मूले के साथ ही लगा हुआ है। तो चलिए हम बात करते हैं मैप की। देखिए, मैप को एक एरे सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप जैसे मान लीजिए पे लैम्डा फॉर्मूले के बारे में जानते हैं कि मैं लैम्डा फॉर्मूला लगाया लैम्डा और हमने ए पैरामीटर दिया और कंडीशन में बोला कि इफ ए इज ग्रेटर देन 4 देन ए मल्टीप्लाई बाई 10 अदरवाइज ए, सिंपल ए कर दिया। अब ये फॉर्मूला वर्क कब करेगा? जब इसके अंदर हम जो है एक रेंज को सिलेक्ट करेंगे। जी, इसके अंदर हम एक यहाँ पे आते हैं और एक रेंज सिलेक्ट कर लेते हैं। रेंज सिलेक्ट नहीं कर पा रहे, यहाँ पे A1 से D2 अभी भी नहीं हो पाया, सही से नहीं हो पाया। तो इसलिए हम लैम्ब इस फंक्शन को रखेंगे मैप के अंदर। हमें क्या करना है, हमें इस फॉर्मूले को रखना है मैप के अंदर में और इस मैप को सिलेक्ट करना है एंड कॉमा देना है। अब एंटर प्रेस कीजिए, आपके सामने रिजल्ट आ गया। इस तरह की चीजें हम यूज करते हैं। अब इसमें बात आती है कि जो हमारा मैप फंक्शन है उसका यूज तो हमने समझ लिया कि लैम्डा फंक्शन में जब हम एक इनपुट नहीं देते, हमें एक से ज्यादा इनपुट होता है, तब इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि इसका बेनिफिट क्या है। इसके बेनिफिट की वीडियो हम अगली वीडियो में डालेंगे, लेकिन रिक्वेस्ट है कि इसकी बेनिफिट्स वाली, इसकी रियल टाइम प्रॉब्लम वाली वीडियोज अगर देखने हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें, क्योंकि आपको हम कुछ ही दिनों में इसकी वीडियो अपलोड करेंगे जो आपको मिल जाएगा। थैंक यू।